गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हम जो है लोअर क्लासेस में 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। मेनली जो है आइसोमेरिज्म फिनोमेना टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट सम ऑफ द कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑल्सो गिव दिस टाइप ऑफ फिनोमेना दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म स्टडी करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद आइसोमर्स। टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल और स्पेशियल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। यहाँ पर आइसोमेरिज्म ही हम लिख सकते हैं आइसोमेरिज्म। तो देखो, टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस हैं जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट उनकी जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट है या थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, ये जो आइसोमेरिज्म है इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जैसे कि हमने बोला है अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो तब हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड्स। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कब होता है, जब कंपाउंड्स की या आइसोमर्स की स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट होने की वजह से वो अराइज होता है। तो ये फर्दर जो है वेरियस टाइप में आगे कैटेगराइज किया गया है। तो वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन यानी कि जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आयोनाइज होने के बाद, आयंस बनने के बाद जो है जब डिफरेंस आ जाता हो तो उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एक्चुअल डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स विच गिव डिफरेंट आयंस इन सोल्यूशन, जो सोल्यूशन में डिफरेंट आयन देते हैं, ऑल्दो दे हैव सेम कंपोजिशन, जबकि उनकी कंपोजिशन एक जैसी होती है, तो उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर्स एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो एग्जाम्पल ले रहे जैसे CONH3O5Br, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसके बाद कॉन्ट्राइन सल्फेट है। अब यहाँ पर इसमें वन इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि एक लीजेंड ऐसा होना चाहिए जो काउंटर आयन भी बन सकता है और जो अंदर आकर के लीजेंड भी बन सकता है। तो ऐसे यहाँ पर ग्रुप है जो Br और सल्फेट जो है, ये सल्फेट अगर अंदर है तो डिफरेंट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है, और सल्फेट अगर बाहर है तो अलग बन जाते हैं। तो मीन्स के एक आयन जो है ऐसा होना चाहिए जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो यानी कि वो जो आयन है, ग्रुप ऑफ आयन है, वो डिस्प्लेसेबल होना चाहिए, ठीक है। तो अंदर आके दूसरे को हटा करके आप लग जाए या बाहर आ जाए। ऐसे यहाँ पे PTNH3 4 Cl2 Br2, देखो Br2 अगली बार में Br2 अंदर आ गया और Cl2 बाहर हो गया। तो आयोनाइजेशन जब करेंगे तो आयोनाइजेशन के बेस पर जो है हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लीजेंड जो है काउंटर आयन, कौन सा जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो वो रिएक्शन करके पता चलता है। देखो मैं आपको रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा इसी में। तो देखो रिएक्शन में क्या है, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, जैसे कि हमारे पास ये दोनों कंपाउंड है, अगर हम इसकी रिएक्शन जो है, इस कंपाउंड की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन BaCl2 के साथ करते हैं, तो BaCl2 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर सल्फेट आयन जो है वो क्या है, हमारे पास काउंटर आयन है, और Ba के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा, यानी कि व्हाइट PPT बनेंगे। क्या बन जाएगा, व्हाइट PPT बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी BaCl2 के साथ रिएक्शन कराएं तो 9 PPT फॉर्मेशन, 9 precipitate फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो उससे कंफर्म हो जाता है कि किस कंपाउंड के अंदर सल्फेट आयन काउंटर आयन है, किस में नहीं है। दूसरा एक और कर सकते हैं, अगर इन दोनों के रिएक्शन हम इसके साथ करें, दोनों के रिएक्शन अगर हम
AgNO3 के साथ करें, AgNO3 के साथ करें, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करें दोनों की, तब क्या होगा? यहां पर तो नो पीपीटी पीपीटी फॉर्मेशन नहीं होगा, बट यहां पर AgBr बनेगा और AgBr की वजह से क्या होगा, व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे। तो इसे कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर बी आर काउंटर है ना, और BaCl2 के साथ रिएक्शन करने पर कंफर्म हो गया था कि सल्फेट आयन वो काउंटर है। आगे समझ में, इस तरीके से हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस आयनाइजेशन आइसोमर में कौन सा लिजेंड कैसा है, वो काउंटर आयन है या फिर लिजेंड के फॉर्म में है। सेकेंड इज सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स विच है सेम कॉम्पोजिशन, जैसे कि पहले ही बोल चुके हैं सेम कॉम्पोजिशन की सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफर इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिजेंड्स एंड एज फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। यानी कंपोजिशन तो सेम रहेगी, बट उनमें जो डिफरेंस रहेगा दो कंपाउंड्स में वो क्या रहेगा कि नंबर ऑफ लिजेंड्स और फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वो डिफरेंट रहेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें अगर हम वाटर को सॉल्वेंट लेते हैं तो जो आइसोमर्स बन जाएंगे उनका नाम हो जाएगा हाइड्रेट आइसोमर्स, और फिनोमेना को क्या बोलेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि CrCl2.6H2 क्रोमिक क्लोराइड जो है, ठीक है, CrCl3.6H2 है, इस कंपाउंड में एक बार देखें तो कंपाउंड जो CrCr H2O6 और 3Cl बाहर है काउंटर में, ठीक है। तो सेकंड टाइम पर क्या है, Cr H2O5 और एक Cl अंदर आ गया और एक H2O बाहर चला जाता है, ठीक है। और थर्ड टाइम में क्या होगा, Cr H2O4 Cl तो अंदर आ गया और Cl H2O2। तो यहां पर देखिए तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहां पर नंबर ऑफ लिजेंड्स एज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वो जीरो है। यहां पर लिजेंड है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फॉर्म में जीरो, यहां पर फाइव, यहां पर एक सॉल्वेंट की फॉर्म में आ गया, यहां पर फोर, यहां पर टू सॉल्वेंट की फॉर्म में आ गए, यानी कि काउंटर आयन की फॉर्म में आ गए। तो इस तरीके से जो हमारे पास आइसोमेरिज्म होगा दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड वी विल डिस्कस, थर्ड टाइप इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज जैसे लिंकिंग, लिंकेज जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिजेंड जुड़ रहे हैं उसके बेस पर डिफरेंस रहेगा। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स इन कंपाउंड्स कंटेनिंग एम्बीडेंटेड लिजेंड्स। एम्बीडेंटेड लिजेंड्स हम पढ़ चुके हैं कि यूनिडेंटेड लिजेंड्स कंटेनिंग मोर देन वन डोनर एटम, जिसमें एक से ज्यादा यानी कि दो डोनर एटम हो बट लिजेंड यूनिडेंटेड हो, तो ऐसे लिजेंड्स को एम्बीडेंटेड लिजेंड्स कहते हैं। तो अगर हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उसमें जब लिंकेज में डिफरेंस हो दोनों में, एक कंपाउंड में डोनर एटम के लिंकेज अनदर एटम से हो, दूसरे में अनदर एटम से हो, तो उस टाइप के जो हमारे पास आइसोमर्स होते हैं उनको हम लिंकेज आइसोमर्स कहते हैं। तो एग्जांपल जैसे लिंकेज के लिए हमारे पास एम्बीडेंटेड लिजेंड्स NO2 हो सकता है, HCl-Cl-, यहाँ पर एक बार में नाइट्रोजन डोनर एटम होगा नाइट्राइटो N बोलते हैं, दूसरी बार में ऑक्सीजन डोनर एटम होगा नाइट्राइटो O बोलते हैं, यहाँ पर एक बार में HCl-Ethylcyanate आयन सल्फर डोनर एटम होता है, उसके बाद दूसरा होता है NCS-Isothiocyanate, यहाँ पर Cl- में एक बार कार्बन होता है एक बार नाइट्रोजन होता है। तो जैसे कि टू डिफरेंट पेंटा अमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड्स दो कंपाउंड है, हैव बीन फाउंड टू हैव डिफरेंट कलर्स। दो कंपाउंड है सेम फॉर्मूले के बट दोनों के कलर डिफरेंट है, एक का रेड है एक का येलो है। रेड किसका है, वन इज रेड इन विच नाइट्रो NO2 इज इन फॉर्म ऑफ नाइट्राइटो O, जिसमें नाइट्रो में ऑक्सीजन डोनर एटम हो, विच इज इजिली डिकम्पोज बाय एसिड्स टू गिव नाइट्रस एसिड्स, जो आसानी से एसिड के द्वारा ब्रेक डाउन हो जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाइल अदर इन विच NO2 इज इन फॉर्म ऑफ नाइट्राइटो N, दूसरा जिसमें NO2 ग्रुप है नाइट्राइटो N की फॉर्म में, जिसमें डोनर एटम नाइट्रोजन हो और वो येलो होता है और स्टेबल टू एसिड्स, यानी कि एसिड्स के प्रेजेंस में डिकम्पोज नहीं होता। क्लियर है।
कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नेक्स्ट है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल व्हेन बोथ कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं, कैटायन पार्ट और एनायन पार्ट। अगर दोनों पार्ट हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले हों तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ये जो कंपाउंड है उनमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो सकता है। और अब टू आइसोमर्स डिफर, जो दो आइसोमर होंगे वो डिफर करते हैं, दूसरे से अलग होते हैं, किसमें, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स इन कैटायन एंड एनायन पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो CONH3 6 CrCN 6। अगली बार में क्या होगा कि जो CR है वो साइड आ गया और CO दूसरी साइड चलेगा। एक और इंपॉर्टेंट ध्यान से देखना कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं COCR अगर यहाँ पर अगली बार जब लिखेंगे तो NH3 को उसमें लिख देते हैं, CN को उसमें, ये गलत हो जाएगा। लिगेंड्स की पोजिशन सेम रहेगी, मेटल एटम की पोजिशन को चेंज करना है। तो इस बार में पहले में कैटायन पार्ट में कोबाल्ट है, एनायन पार्ट में CR है, अगली बार में कैटायन पार्ट में CR कर दिया, एनायन पार्ट में CO। लिगेंड्स की पोजिशन सेम है जो कैटायन पार्ट में थी और एनायन पार्ट में थी। तो ये हमारा कौन सा हो गया, फोर्थ टाइप हो गई है, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड मेजर टाइप इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। स्पेस आइसोमेरिज्म अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट पोजीशंस एंड अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस अराउंड द मेटल आयन। जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके सराउंडिंग में थ्री डायमेंशनल स्पेस में लिगेंड्स की जो अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस होने की वजह से जो डिफरेंट अरेंजमेंट बनती है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेस आइसोमर एंड फिनोमिनल इज कॉल्ड एज स्पेस आइसोमेरिज्म। अब इसमें भी दो टाइप होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। सिस ट्रांस नॉर्मली आपने डबल बॉन्ड कंपाउंड में लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि सिस ट्रांस, वैसे तो आपने ये जो है आइसोमेरिज्म आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है, हम इनऑर्गेनिक को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सिस ट्रांसमिशनली सिस को क्या बोलते हैं, जब जैसे डबल बॉन्ड के साइड में दोनों ग्रुप सेम साइड में हो, सेम साइड में सेम ग्रुप लगे हो तो सिस होता है, और अगर अपोजिट हो तो ट्रांस होता है। यहाँ पर जो है सिस ट्रांस जो है इसमें क्या होगा कि एडजेसेंट पोजिशन पर अगर लीजेंड है, एक दूसरे के साथ जो है साथ लगती पोजिशन पर सेम लीजेंड है तब तो सिस होता है, और अगर अपोजिट है एक दूसरे के फिर वो ट्रांस होता है। तो देखो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट लीजेंड्स हो, यानी कि होमोलेप्टिक होते हैं जिनमें एक ही टाइप के लीजेंड्स हो, और हेट्रोलेप्टिक जिसमें अलग अलग टाइप के लीजेंड्स हो, और उनकी पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ लीजेंड्स की वजह से डिफरेंस आता हो स्ट्रक्चर्स में, तो उनको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल ग्रुप्स या लीजेंड्स हैं, एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, साथ लगती पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, तो उन आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, सिस आइसोमर, और जिसमें दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। अब देखो हमारे पास जो अरेंजमेंट्स होते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में, जो वेरियस ज्योमेट्री बनती है उसमें टेट्राहेड्रल होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। तो हम मेनली अब ये पढ़ेंगे किन किन जो है ज्योमेट्री में या कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्सेस में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल फॉर कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2 and 3, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल आयन का 2 और 3 हो, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर भी होता है और टेट्राहेड्रल भी होता है, तो टेट्राहेड्रल जो है उस केस में जो है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चारों की चार पोजीशन जो है इक्विवेलेंट होती है, एक जैसी होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बारे में जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कैसे शो करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।